तज़किरा इमाम हुसैन में करबला के बाद क्या हुआ, जब सारे शहीद हो गए, इनकी लाशों पर घोड़े दौड़ाए गए, तो जो लोग करीब आबादियों के लोग थे वो आए, इन लाशों को समेटा, कितनों को तो उन्होंने दफन किया और मौला हुसैन को दफन किया। अब बीबियाँ खीमे में थीं, कैदी बनाई गईं, सैयदा ज़ैनब फातिमा जहरा की सगी बेटी हैं, हुसैन इब्न अली की सगी बहन है, ज़ौजात इमाम हुसैन हैं, बीबी सकीना हैं। इस खीमे में चंद औरतें रह गईं और बीमार ज़ैनुल आबिदीन हैं। यजीदी लश्कर की तरफ से लोग आए और कहा कि अपने हाथ आगे बढ़ाओ। हाथ आगे बढ़ाए गए तो उनको हथकड़ियाँ डाल दी गईं। रसूलुल्लाह के घर वालों को हथकड़ियाँ डालकर बाहर निकाला गया, खीमे उजाड़ दिए गए। बाज़ रिवायात ये बताती हैं कि खीमों में आग लगा दी गई। जब खीमे जल गए, शाम का वक्त था, मगरिब के बाद ये लुटा हुआ ताख्त ताराज काफिला कूफा की तरफ जा रहा था। करबला से अब ये कूफा जा रहे थे, लेकिन जालिमों ने जितने शहीद हुए थे उनके सर संभाल कर रखे थे। इमाम हुसैन इबन अली का सर ले लिया, अब्बास अलम्बरदार का सर ले लिया और अली अकबर इमाम कासिम के सर काट कर ले लिए। सारे सरों को उन्होंने, इसलिए कि उस वक्त सबूत पेश करने के लिए सर दिखाने पड़ते थे कि हमने इनका कत्ल किया है, अब सरों को उन्होंने नेज़ों में डाल दिया और सरों को लेकर नेज़ों से चलने लगे। ये सफ़र इनका शुरू हुआ, कूफा की तरफ चले। क्या है, एक बड़ी बात मुझे याद आती है, मौला हुसैन की एक कनीज थी जिसका नाम बीबी शीरीन बताया गया है। वो सैयदा फ़ातिमा तो ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा की भी खिदमत कर चुकी हैं। बीबी शीरीन, इसको हज़रत इमाम हुसैन ने आज़ाद कर दिया था। वो कहती थी कि मैं आज़ाद नहीं होना चाहती हूँ। कहा था कि तू बुढ़ापे को पहुँच चुकी है, तुझे हमने आज़ाद कर दिया। और उसके बाद मौला हुसैन ने, जब ये मदीना तैयबा में थे, बीबी शीरीन को कहा था कि तू आज़ाद है, जा। बहुत सारा माल दिया था और जमा करके कहा था कि तू चली जा, अपनी बकिया ज़िंदगी आराम से गुजार। तो कहती है, एक शर्त है मेरी, मैं इस शर्त पर जाऊंगी। इमाम हुसैन इब्ने अली ने पूछा कि हमने तुझे किसी चीज़ से रोका नहीं, मना नहीं किया, क्या चीज़ तू चाहती है? बीबी शीरीन ने कहा था कि मौला हुसैन, बस चाहती हूँ कि मैं घर बना लूँ, घर में रहूँ, एक बार आप अपने कदम रख देना, हम गरीबों के घर पर एक बार आप तशरीफ़ ले आएँ, मेरी वो मेराज हो जाएगी। इमाम हुसैन ने कहा, बस इतनी सी बात, हम तो गरीबों के घर रोज़ जाना पसंद करते हैं, हम रोज़ जाना पसंद करेंगे, जा ठीक है, तेरे घर हम आएंगे। और बीबी शीरीन ने कहा, नहीं मौला, मेरी एक दरख्वास्त ये है कि आप अपने ख़ानदान के साथ आएंगे, अपने शहजादों शहजादियों औरतों के साथ आएंगे। मौला हुसैन ने सारी औरतों से कहा, देखो बीबी शीरीन कहती है इसके घर दावत है, हम सब आएंगे। और उसको बतौर मुस्कुराते हुए आपने फरमाया, बीबी शीरीन, ऐसा ना हो कि हम आए और तू पहचान ही ना सके, ऐसा ना हो कि तू पहचान ही ना सके। कदमों में गिर गई, कहा कि मैं आपके घर की खाई हुई, मैं आपकी परवरदा, कभी आपको ना पहचानू, ऐसा कैसे हो सकता है। वो खातून गई कूफा के करीब एक छोटी सी बस्ती में, घर बनाया, बड़ा अच्छा सा घर बनाया और उसकी बस्ती वाले भी उसकी बड़ी इज्जत करते थे कि ये फातिमा के घर काम की हुई औरत है, हुसैन इब्ने अली के घर काम की हुई औरत है। वो हर घर में जाती थी, बस्ती वालों से कहती थी, लोगों देखना मैंने घर बनाया और पैगाम भेज दिया है, फातिमा के लाडले शहजादे रसूल इमाम हुसैन ने मुझे वादा किया है, एक बार वो मेरे घर तशरीफ़ लाएंगे। बस्ती वाले कहते थे, क्या तेरी किस्मत है कि तेरे घर मौला हुसैन आने की बात कर चुके हैं, रसूलुल्लाह का शहजादा तेरे घर आएगा। सब उसकी गांव में बड़ी इज्जत थी, लोग कहते थे कि इसकी बात पर हुसैन आने वाले हैं। एक बार जैसे ही बीबी शीरीन को खबर हुई कि इमाम हुसैन मदीना से मक्का निकल चुके हैं और मक्का से कूफा आने वाले हैं, जैसे ही ये खबर मिली तो उसने पैगाम भिजवाया और फिर अपने घर को रंगो रोगन करना शुरू कर दिया और कमरे सजाए कि मौला हुसैन का काफिला आ रहा है और कूफा जाने वाले हैं और मेरे घर पर ठहरेंगे। जंग की कोई खबर ही नहीं थी, गांव वालों को जैसी इत्तला हुई, गांव के सारे लोग उसके साथ मिल गए। पूरे गांव में सारे लोग घरों की तैयारियां कर रहे थे और
सब लोग रोज इंतजार करते। बीबी शीरी पहाड़ के एक चोटी पर सुबह से शाम तक बैठती, हर आने जाने वाले काफिले वाले को देखती, जो मक्का से कूफा के लिए आ रहा है जा रहा है देखती, इंतजार करती। इसमें इमाम हुसैन अपने घर वालों के साथ आने वाले नहीं आए। कई दिन गुजर गए और इसी रात, इसी जमाने में एक रात ऐसी आई कि उसके घर एक औरत आई। कहा, बीबी शीरीन उठो जल्दी। कहा, क्या? कि हाकिम बसरा इब्ने जियाद का लश्कर बहुत बड़ा लश्कर है और वो लश्कर बाहर आया हुआ है। तेरा बड़ा घर है, वो चाहते हैं कि आज की रात तेरे घर में गुजारे। कहा, कौन लोग हैं, क्यों आए हैं? कहा, सुना है कि एक बागी ने बगावत की थी और उसका सर कुचल दिया गया, उसे मार करके उसका सर लाया गया है और उसी को दमिश्क अमीरुल मोमिनीन यजीद के पास ले जाया जा रहा है। बीबी शीरी ने कहा, पता नहीं कौन सा बागी था, किसने बगावत की थी, किससे जंग हुई थी, खबर नहीं है। बहरहाल अगर हाकिम का काफिला घर के दरवाजे पर खड़ा है तो मैं दरवाज़ा खोल देती हूँ। दरवाज़ा उसने खोला। बहुत सारे रात का वक्त है, शहजादों के सर नेज़ों पर लटके हुए हैं। हुसैन इब्ने अली का चेहरा धूल में अटा हुआ था, जुल्फें चेहरे पर आई हुई थीं, बीबियाँ सब बांदी बनाकर लाई गई थीं और सब जकड़ी हुई थीं, चेहरे उनके बालों से ढके हुए थे। इस खातून ने देखा और कहा, हाय हाय अफसोस, कैदी आए हैं मेरे घर। मौला हुसैन कहते थे, कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए, कैदियों के साथ अच्छा सलूक किया जाए। उसने अपने घर में अंदर दाखिल किया। जो हाकिम, जो उसके सिपह सालार थे, उन सबको अंदर बुलाया, रात गुजारने का मकाम दिया, जगह दिया और ये बीवियों को सहन के बाहर ही छोड़ दिया गया, इनको अंदर नहीं लाया गया। और इस खातून ने कहा, इन कैदियों को भी तो लाओ, मेरा घर काफ़ी बड़ा है, मैं अंदर सुला लूँगी। इसे अब तक ये खबर नहीं थी ये लुटा हुआ काफिला है किसका, आखिर ये लुटा हुआ काफिला किसका आया है। रात के वक्त उसने खाना बनाया, सारे फौजियों ने खाना खा लिया तो बीबी से कहा, उन कैदियों को खाना मत देना, वो खाने के मुस्तहिक नहीं है। इसने चिल्ला करके कहा, देखो हमारा दस्तूर ये है कि मैं फातिमा के घर काम कर चुकी हूँ, वहां फाके तो रखते थे लोग, घर में फाका तो होता था लेकिन बाहर आने वाले मेहमान को भूखा नहीं रखा जाता, वो चाहे कैदी हो, बागी हों, जिस तरह के हों, मैं उससे जो बन सकेगा मैं खिलाऊंगी। उसने खाने बनाए और उसके बाद लेकर के आई और उसके बाद खाना जब सैयदा बीबी जैनब के पास रखा तो बीबी जैनब ने अपने दोनों हाथ दिखाए जो पीछे बंधे हुए थे। उस खातून ने, बीबी शीरीन ने खोला और उनके बालों से चेहरा ढका हुआ था और उसने खाना परोसा कि खा लो बीबियों, खा लो। तो बीबी जैनब ने पुकार करके अपने भाई का नाम लिया, या हुसैन इब्ने अली। तो बीबी शीरीन चौंक उठी, ये नाम तू क्यों ले रही है, ये नाम तो मेरे आका का है, जिसकी मैं बांधी थी, मैं खिदमत गुजार थी, ये नाम तू क्यों ले रही है? बीबी जैनब कहती है, बीबी शीरीन क्या हमने तुझे पहचान लिया, बाबा नहीं कहते थे किसी दिन हम घर पर आए और तू पहचान ही ना सके, ये जो ऊंचे नेजे पर सर दिख रहा है तेरे आका मौला हुसैन का सर है और ये अली अकबर का सर है, ये कासिम का सर है। बीबी जैनब पुकारती गई, बीबी शीरीन ने देखा और पुकार करके कहा, मौला कैसी मेहमान नवाजी का वक्त तुमने दिया, क्या इस तरह भी कोई मेहमान बनता है किसी के घर? और ये कहती हुई गश खाकर गिर पड़ी, उस पर पानी डाला जाता वो उठती फिर गश खा जाती, बेहोश हो जाती। सच कहा था मौला हुसैन ने, ए बीबी शीरी हम तो वादा किए हैं आकर रहेंगे, कहीं ऐसा ना हो कि तू पहचान ही ना सके। सच कहा था मौला हुसैन, आप इस हालत में मेरे घर आए कि मैं पहचान ना सकी, क्योंकि वहमो गुमान में भी नहीं था कि फातिमा के लाडले का कटा हुआ सर कभी घर आ सकता। वो गश खा करके गिर गई, रिवायात में है। सुबह जब उठा, लोगों ने, फौजियों ने उठ करके देखा तो बीबी शीरी का जिस्म ठंडा पड़ चुका था, उसकी रूह निकल चुकी थी। गमे हुसैन में लोगों की जानें चली गई, यहाँ आज दो आंसू हमारे निकलते हैं तो लोग हमें बोलते हैं, गमे हुसैन में लोगों की रूह निकल गई, जो असली मोहब्बत करने वाले थे वो दुनिया से ही रुखसत हो गए।
मौला हुसैन की मोहब्बत करने वाली बीबी शीरी दुनिया में नहीं रही। कहा आखिरी जुमले उसके ये थे, घर बड़ी आन शान से इसलिए बनाया था कि एक बार मौला कदम रखेंगे। अब उन्होंने कदम रख दिया तो अब जीने में कोई मजा नहीं है, अब मेरी जिंदगी की तमन्ना पूरी हो गई है। उसके बाद ये काफिला निकला, कूफा की तरफ जा रहा था, इब्ने जियाद तक पहुंचना था, हाकिम बसरा हाकिम कूफा उबैदुल्लाह बिन जियाद के पास। ये काफिला जाने से पहले कई मंजिलों पर रुका। दूसरी रात आई थी, दूसरी रात एक गिरजा घर के पास इनका क़याम हुआ। वो एक ईसाई का गिरजा था, वहाँ पर क़याम हुआ। ईसाई ने देखा कि बहुत सारे कटे हुए सर आए, उसने भी अपने चर्च में रुकने की इजाज़त दी थी। हाय अफसोस, ईसाई भी रहम खा रहे हैं, कैसे वो मुसलमान थे जो रसूलुल्लाह के घर वालों पर रहम ना खा सके। ईसाई ने रुकने का वहाँ पर रुकने की इजाज़त दी। उसके बाद कहा, रात को उसने कहा कि ये जो सरों पर, ये जो नेज़ों पर सर हैं, क्या ये हमें एक रात के लिए दोगे? लोगों ने कहा ले लो, ले लो, लेकिन अमानत के साथ वापस करना कि ये हमें दमिश्क पहुँचाना है। उसने सरे हुसैन को लिया, धूल को साफ किया, इसलिए कि उसे दूर से ही उस चेहरे में कुछ चमक नज़र आ रही थी। उस ईसाई राहिब ने रात के वक्त देखा, एक तख्त पर रख करके सरे हुसैन का गौर से मुताला करने लगा और अपनी पुरानी किताबों से मिलाने लगा। पुरानी किताबें पढ़ता था और चेहरा देखता था, बार बार देखता था, फिर चीख करके कहा, हाँ मैं अपने मकाम को पहुँच गया, इसलिए कि मुकद्दस किताबों में लिखा हुआ है नबी के आखिरी नबी का नवासा सुलमन कत्ल किया जाएगा और इस रास्ते से जाएगा, और यहाँ की गिरजा में अगर रुके तो गिरजा में जो खिदमत गुजार है वो उसकी खिदमत करे, मौला उसे जन्नत अता करेगा। वो ईसाई राहिब कहता है, वो चेहरे में सारी अलामतें जो किताबों में लिखी यही हैं। वो ईमान ले आया, कलमा तैयबा पढ़ा, इस्लाम कबूल किया, रात में उसकी दुनिया बदल गई। मेरे अजीजों, इसी को कहा जाता है इस्लाम जिंदा होता है हर करबला के बाद। हुसैन के इंतकाल के बाद भी इस्लाम फैल रहा, ईमान दूसरों को बांट रहे हैं। सुबह तक उस गिरजा में रुके, फिर दिन पूरा गुजारे और शाम के वक्त ठंडे वक्त में कूच करने का इरादा किया, और सरे इमाम हुसैन जो इन लोगों ने नेजे पर लिया था उसको एक जगह गाड़ दिया, और उसके बाद अपने पानी वगैरह के इस्तेमाल के बाद काफिले को कूच करने का हुक्म दिया। काफिला आगे चला, लेकिन जो फौजी आता सरे हुसैन को उठाने के लिए नेजे पर, वो तो हल्का हो चुका था लेकिन वो ज़मीन में ऐसा गड़ चुका था कि उठता नहीं था, किसी से हिल नहीं रहा था। बहुत लोगों ने कोशिश की, फिर आकर के उन्हीं जालिम यजीदियों ने बीबी जैनब से कहा, ए खातून, ये तुम्हारे भाई का सर ज़मीन पर ऐसा जमा हुआ है, हटता नहीं है, आगे बढ़ना है हमें, यह हटता नहीं है। बीबी जैनब ने गौर से देखा और कहा, काफिले में देख लो सब हैं या नहीं, काफिले में सब हैं या नहीं। देखा गया तो बीबी सकीना काफिले में नहीं थी, काफिले में मौजूद नहीं थी। बीबी जैनब ने कहा, वो मेरा गयूर भाई है, अपने खानदान वालों को छोड़कर कहीं जाता नहीं था, अपनी बच्ची का गम होगा, आगे नहीं बढ़ता, तलाशो सकीना कहाँ है। लोगों ने ढूंढना शुरू किया, पहाड़ की एक छोटी सी चोटी पर वो बैठी हैं और एक खातून की गोद में बैठी हैं। कोई एक खातून है, उसे सहला रही है, थपकियां दे रही हैं। बीबी सकीना 9 साल की उम्र में एक बड़ी मुअज्जज खातून की गोद में हिचकियां ले लेकर रो रही हैं और कुछ बातें कर रही हैं। बीबी जैनब ने दूर से देखा, ख़ानदान की कुछ औरतें और आईं, पुकारा, सकीना जाने का वक्त हो गया, तुम यहाँ क्या कर रही हो? दौड़ करके जैसी सकीना के करीब आए तो देखा ना वहाँ औरत थी ना कोई खातून थी। सकीना को उठाया, क्या कर रही थी तुम यहाँ, कैसे आई, कौन औरत किससे बात कर रही थी? सकीना ने कहा, मैं जानती नहीं थी, यहाँ हाजत के लिए आई थी, अचानक एक खातून नमोदार हुई, उसने मुझे गोद में उठाया, बोसे देना शुरू किया, मेरा माथा चूमा, मैंने पूछा कि तू कौन है, तो उसने कहा, अरे बच्ची तू नहीं जानती, मैं तेरी दादी फातिमतुज़्ज़हरा हूँ, मैं फातिमतुज़्ज़हरा हूँ, रसूलुल्लाह की शहजादी हूँ, मैं अपनी दादी के गोद में सो गई। बड़ा नरम गोद था, बड़ी उनकी
नाजुक हाथ थे और वो मुझे सहला रही थी और मुझसे पूछ रही थी कि कैसे करबला में क्या क्या हुआ। सुना बच्ची, मैं अली असगर की शहादत दादी को सुना रही थी। अली अकबर कैसे कत्ल हुए दादी को सुना रही थी। उनके आंसू बहते थे और मेरे जिस्म पर गिरते थे और मैंने करबला की सारी दास्तान अम्मा फातिमा को सुना रही थी। सैयदा जैनब की चीख निकल पड़ी कि माँ फातिमा अब भी बेकरार है। इसलिए कि हजरत इमाम मुस्लिम फरमाते हैं, एक बड़े बुजुर्ग हैं, ताबई हैं, कहते हैं मैंने ख्वाब में देखा एक बूढ़ी खातून को। करबला का ये मंजर जो था 10वीं मुहर्रम को हुआ, 9 मुहर्रम को ख्वाब देखें या आशूरा की रात को उन्होंने ख्वाब देखा। कहते एक बूढ़ी औरत है, बड़ी उम्र वाली औरत है, जुब्बा उसके सर पर पड़ा हुआ है, झाड़ू लेकर मैदान झाड़ रही है, पूरा मैदान झाड़ा। तो ये इमाम मुस्लिम फरमाते हैं मैंने दूर से पुकार करके कहा, बीबी कौन हो आप, ये मैदान क्यों झाड़ रही हो। उन्होंने पलटे बगैर कहा, ऐ शख्स मैं रसूलुल्लाह की बेटी फातिमतु जहरा हूँ, यह मैदान करबला है, मैं यहाँ झाड़ रही हूँ इसलिए कि कल मेरा लाडला यहाँ गिरने वाला है, कहीं कोई नोकीले कंकर उसके जिस्म में न चुभ जाए। मुझे दर्द होगा अगर हुसैन को कोई ज़मीन की कंकरियाँ चुभें, मैं साफ तो कर लूँ। फातिमतु जहरा का गम हम नहीं जान सकते मेरे अजीज, एहसास नहीं कर सकोगे। गम की दास्तानें बड़ी हैं, बहुत हैं, वाकयात सुनाने के लिए मेरे पास वक्त नहीं है। मैं समेटता हूँ अजीज़ा ने गिरामी, ये ताख्त ताराज काफिला, ये असीरान अहले बैत कूफा पहुँचे इबन ज़ियाद के महल में। इबन ज़ियाद ने देखा हुसैन इबन अली को ताने मारने लगा, कहा कि तुमने बड़ा गलत किया, तुमने यजीद के ख़िलाफ़ खुरूज किया, बगावत किया और उसके बाद बहुत सारी बेहरमती करने के बाद इस काफिले को उसने दमिश्क रवाना किया। दमिश्क मुल्क शाम की राजधानी, आज भी मुल्क शाम में जिसको इंग्लिश में दमस्कस कहा जाता है, दमिश्क है वो असल। दमिश्क में जब ये काफिला पहुंचने लगा वहाँ के हालात अलग थे। बाजार शाम पर लानत हो, बाजार शाम पर का बुरा हो, वहाँ शाम का बाजार सजाया गया था, घर घर वहाँ सजाए गए थे और लोगों में ये जश्न का माहौल था कि आज बागियों के सर लाए जा रहे हैं और कैदियों को जकड़ करके मुल्क शाम खलीफा वक्त यजीद के दरबार में पेश किया जा रहा है। लोग छतों पर चढ़ चुके थे ये मंजर देखने के लिए, ये अलम जो उठा करके आ रहे थे लोग काफिले यजीद में, यजीदी लश्कर जो कूफा से दमिश्क दाखिल हो रहा था, दमिश्क के दरवाजे पर यह काफिला पहुंचा है। सर इमाम हुसैन को नेजे पर लेकर, अली अकबर इमाम कासिम अब्बास का सर लेकर ये लोग पहुंचे हुए हैं। अभी मुल्क शाम के बाजार में देखा अचानक तबले बजना शुरू हो गए, ढोलों की आवाज़ें बुलंद हो गई, बाजे शुरू हो गए और बहुत ज़्यादा बांसुरियाँ बजने लगीं और इस जश्न के माहौल में इस काफिले को लाया जा रहा है। आगे लोग नाचते हुए जा रहे हैं, खेलते हुए जा रहे हैं कि फतेह मुबीन यजीद का अच्छा हो। जय जयकार लग रही थी। खानदान अहले बैत को कैदी बना करके लाया गया है मेरे अजीजों। उस खानदान अहले बैत के साथ वहाँ जो मामलात हुए, कई लोग थे जो देखने के लिए दूर दूर से आए थे। एक सहाबी हैं, वो कहते हैं मैं तिजारत के लिए गया था तो मुझे खबर हुई कि आज अहले बैत का काफिला यहाँ आ रहा है, तो मैं दौड़ता हुआ पहुँचा और जैसे ही मैंने देखा, देख करके मैं जब्त ना कर सका, वो चेहरा आज नेजे पर था जो कभी मेरे मुस्तफ़ा के कंधे पर हुआ करता था। वो सहाबी कहते हैं उनके लबों पर मेरे आका अपने होंठ रखा करते थे, उनकी गर्दन को सूंघा करते थे। वो हुसैन की गर्दन को इन्होंने तलवार से अलग किया हुआ था और नेजे पर ला रहे थे। वो सहाबी दौड़ते हुए आए, कहा मेरी ज़िंदगी का बुरा हो, मैं हुसैन का साथ नहीं दे सका, मैं हैदर के घर वालों का साथ नहीं दे सका। बच्चियां थीं जो कैदी बनाकर लाई गई थीं, दौड़ करके वो सहाबी आए और बीबी सकीना के पास आए। नन्ही सी 9 साल की उम्र की बच्ची भी कैदी बनकर आई, दौड़ करके साथ करीब आए, पूछा कि बच्ची मैं तुम्हारे गम में बराबर का शरीक हूँ, मैं भी तुम्हारे गम में साथ हूँ, अहले बैत का मैं वफादार हूँ। उन्होंने तवज्जो नहीं की, इसलिए कि बीबी सकीना कहती हैं हम तो दुनिया से मायूस हो चुके थे, हमने कटने के वक्त किसी को आते हुए नहीं देखा, अब तमाशा देखने के लिए बहुत सारे लोग आते हैं, तवज्जो नहीं की। उस सहाबी रसूल ने आगे बढ़कर कहा कि सकीना मैं तुझे जानता हूँ, तू हुसैन की बेटी है,
तू फातिमा की लाडली है, तू शेरे खुदा के घर की शहजादी, बता कोई हाजत हो, कुछ खाना पानी कोई चीज़। अल्लाह अल्लाह, यह भूखे और प्यासों ने कभी खाना किसी से नहीं मांगा। पूरी दास्तान करबला सुनना, कभी इन्होंने रोटी नहीं मांगा, हाँ पानी ज़रूर मांगा है। पानी मांगना इंसानियत के लिए ऐब नहीं, रोटी मांगना मोहताजी की अलामत हो सकती है। बीवी सकीना ने कहा कि बड़ी हाजतें पूछ रहे हो, क्या मेरी हाजत पूरी करोगे? कहा बताओ बच्ची, मैं अपनी तरफ से जो हो सके करूँगा, मेरे पास पैसे हैं माल है, मैं उससे जो चाहे करूँगा। बीबी सकीना ने सिर्फ एक दरख्वास्त की कि मेरे नाना के साहबी, बस इतना काम कर लो कि ये जो ऊंचे नेज़े पर मेरे बाबा का सर है हुसैन इब्ने अली का, इस सर को थोड़ा आगे बढ़ा दो, ये जो जुलूस में जा रहा है आगे बढ़ा दो। हमारे घर की बच्चियां गौर से सुनें, मेरे घर की औरतें कान खोल करके सुनो, 9 साल की बच्ची क्या ख्वाहिश जाहिर कर रही है। कहा अगर वो नहीं बढ़ते हैं तो उन्हें पैसे दे, वो इनाम देकर आगे बढ़ाओ। उस साहबी ने पूछा कि इस सर को तुम्हारे करीब रहना अच्छा है, तुम्हारे करीब रहना अच्छा है, आगे क्यों बढ़ाना चाहती हो? बीबी सकीना ने कहा इसलिए कि लोगों का जुलूस बाबा सर को देखने के लिए आ रहा है, और सारे देखने कैदी बना करके लाए गए थे, बीमार जैनुल आबिदीन हुसैन इब्ने अली रद्दा तआलानु के शहजादे, वो कैदी बनाकर लाए गए थे। एक साहबी वहाँ पर हाजिर हुए, कहा कि कोई हाजत हो तो बयान फरमाएं, हम आपके गम में शरीक हैं। हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कोई तवज्जो नहीं की, यहाँ तक कि एक सिपाही यजीद का ऐसा था जो थैला भर करके पत्थर लेकर चल रहा था, थैला भर कर पत्थर लेकर चल रहा था, और वो बाहर खड़े हुए लोगों में पत्थर बांटता था कि कुछ पत्थर तुम लोग बरसाओ। मुल्क शाम में जाने के वक्त कुछ लोग वहाँ सदक़े की खजूरें फेंक रहे थे इस अहले बैत के घर आने पर, और कुछ लोग पत्थर बरसा रहे थे। यजीद के ये मुखालिफ लोग हैं, बागी लोग हैं, उनके दिलों में यजीद की मोहब्बत थी, बनू उमैया के वफ़ादार लोग थे। इस काफ़िले पर कुछ लोगों ने पत्थर बरसाए, वो काफ़िला अब और कितने ज़ख़म उठाता, अब उनको छोड़ा क्या था, लोगों ने सारे ज़ख़म तो दे दिए थे। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस सहाबी से कहा कि देखो ये पत्थर बरसा रहे हम पर। उस सहाबी ने तलवार खींच ली और उसको कत्ल करने का इरादा किया, आपने मना किया, रुक जाओ रुक जाओ, इसलिए कि बहुत सारे कत्ल मैंने अपने बाबा के देखे और वहाँ कोई भी अपनी तलवार लेकर हमारे मदद के लिए नहीं आ सका। इमाम ज़ैनुल आबिदीन का ये लुटा हुआ काफिला यजीद के दरबार में लाया गया और सर इमाम हुसैन को एक तश्त में रख कर पेश किया गया। यजीद अपने हाथ में छड़ी लेकर मौला हुसैन के लबों पर मारता था और कहता था, हुसैन तुम्हारी जवानी ख़त्म हो गई, काश तुम मेरी बैत कर लेते तो तुम ज़िंदगी से हाथ नहीं धोते, और कभी मैं नहीं चाहता कि तुम्हारा कत्ल हो जाए। उसने झूठे अल्फाज में लोगों को इस तरह वरगलाया। सैयदा ज़ैनब ने वहाँ पर एक जुरतमंदाना खुतबा दिया था, मौला हुसैन की सगी बहन यजीद के दरबार में खुतबा दी थी, और उसके बाद फिर ये असीरा ने अहले बैत को यहाँ मुल्क शाम में चंद दिन ठहराया गया और आज़ाद किया गया, मदीने तैयबा के लिए रुखसत करने का हुक्म हुआ। ये लुटा हुआ काफिला मदीने आया, अल्लाह अल्लाह, मदीने को जब ये लोग पहुँचे, अहले मदीना कहते हमको वो शहादत की खबर पहले से मिल गई थी, करबला में मौला हुसैन का कत्ल हो चुका है, ख़ानदान अहले बैत के साथ बुरा सलूक हुआ है। पूरा मदीना सरहद पर आकर खड़ा हो गया था, मदीने के बाहर इंतज़ार में वहाँ नन्ही सी सुगरा भी थी, मौला हुसैन के कुछ घर वाले भी थे, वो इंतज़ार में थे। जैसे ही लोग मदीने तैयबा में दाखिल होने लगे, बीवियों को देखकर मदीने वाले चीख पड़े, सारे मदीने वाले जारो कतार रोने लगे। सीधा ये काफिला आया बारगाह रसूल में, मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कब्र अनवर के पास पहुँच गया, और फिर बीबी ज़ैनब वहाँ खड़े होकर शुरू से लेकर अखीर तक की दास्तान मेरे आका को सुनाने लगी। या रसूल अल्लाह, आपका दोष पर सवार होने वाला शहज़ादा, आपका महबूब नज़र हुसैन बड़े ज़ख्मों से चूर चूर था। या रसूल अल्लाह, वो करबला में लाशें उठाता रहा, प्यासा रहा, भूखा रहा। मदीने के लोग कहते हैं पूरा मदीना सिर्फ ज़िंदगी में 2 मरतबा सबसे ज़्यादा रोया है,
एक उस वक्त जब मेरे आका की वफात हुई थी, जब मेरे आका की वफात हुई थी, दूसरा उस वक्त जब अहले बैत का काफिला मदीने में लुट कर दाखिल हुआ था, सारे गमों से निढाल थे, हर कोई परेशान हाल था। बीबी सुगरा नन्नी सी थी, 6 साल की थी, बार बार लिपट करके बीबी जैनब से कहती हैं, वो नन्ना बच्चा कहाँ है अली असगर जिसके साथ मैं खेलती थी, वो कहाँ है, फला कहाँ है। बच्ची के दिमाग में जितने याद थे सबको पूछा करती थी। बीबी जैनब कहती हैं, हर एक के जवाब में जब मैं कहती थी, वो भी इंतकाल कर गए, वो भी इंतकाल कर गए। बीबी सुगरा पूछती थी, क्या करबला में मौत सस्ते में मिलती है? जहां आप लोग गए थे मौत बहुत सस्ती है, इतनों को कैसे आपने मौत के घाट उतार दिया? बीबी जैनब के पास कोई अल्फाज नहीं थे। इमाम जैनुल आबिदीन का जिंदगी भर ये हाल था। अल्लाह अकबर, जैनुल आबिदीन वो तनहा शहजादे हैं मेरे मौला हुसैन के, जो फिर 95 हिजरी तक बाहयात रहे। इमाम हुसैन की शहादत होने के बाद 61 हिजरी में जो शहादत हुई, उसके बाद से 95 हिजरी तक अब्बा हयात रहे, लेकिन रोते रोते आंखों का पानी सूख गया था। लोग कहते हैं इमाम जैनुल आबिदीन को हम लोग देखते थे, कभी वो रोते थे तो दोनों आंखों से खून निकल आता था। लोग पूछते कि मौला जैनुल आबिदीन सज्जाद, आप इतना क्यों रोते हैं? कहते हैं, क्या तुम मेरी हंसी की तमन्ना रखते हो? जिसके सामने उसके भाइयों को, उसके घर वालों को, उसके बाप को काटा गया है, उसके घर वालों को काटा गया है। इमाम जैनुल आबिदीन का हाल ये था कि इमाम जैनुल आबिदीन शहर में जा रहे थे और कसाब गोश्त बेचने वाला दुकान में बैठा है, गोश्त बेच रहा है। जैसे ही वो करीब आने लगे, उसने जल्दी से गोश्त के ऊपर चादर डाल दी, गोश्त छुपा दिया। लोग जो गोश्त खरीदने वाले खड़े थे, उन्होंने पूछा कि बंदे तू क्यों गोश्त छुपा रहा है? कहा, जैनुल आबिदीन आ रहे हैं, वो अभी यहां खड़े होंगे और गोश्त देख करके रोना शुरू कर देते हैं, गोश्त देख करके रोना शुरू करते। कहा, ऐसा क्यों करते हैं? कहते हैं, जब भी वो मेरी दुकान के पास ये कच्चा गोश्त देखते हैं तो कहते हैं कि मेरे भाइयों का गोश्त ऐसे ही कटा गया था और उधेड़ा गया था। जिंदगी भर वो गोश्त की दुकान के पास खड़े होते तो उनकी आंखें बह जाती। और उसके बाद एक रिवायत ये भी मिलती है कि कुर्बानी के दिन थे, मौला जैनुल आबिदीन एक जगह से गुजर रहे हैं, एक कसाई बकरे को लिटाया है और जल्दी से उस पर छुरी चलाई जा रही थी। इमाम जैनुल आबिदीन दूर से खड़े हो गए, कहा, ए कसाई, तूने बकरे को लिटाया, पानी पिलाया कि नहीं पिलाया? वो खड़ा हुआ, कहा, ए इमाम जैनुल आबिदीन, हम मुसलमान हैं, जानवरों को काटते हैं तो पहले पानी पिला के काटते हैं। इमाम जैनुल आबिदीन ने करबला की तरफ मुंह किया, कहा, मौला हुसैन, मुसलमान जानवरों को पानी पिला के काटते, जानवरों को पानी पिला के काटते हैं, मगर अहले बैत के किसी शहजादे को एक घूट भी पानी नहीं पिलाया गया और उन्हें वैसे ही प्यासा शहीद किया गया है, प्यासा काटा गया है। इमाम जैनुल आबिदीन की पूरी जिंदगी एक एक चीज को देखते तो रोने लग जाते थे कि करबला में यह चीज नहीं थी, ये चीज नहीं थी। एक वक्त ऐसा भी आया, कूफा का गवर्नर इब्ने जियाद, ये अब इसके बुरे दिन शुरू हो चुके थे। मैं फिर दूसरी तकरीर में अर्ज करूंगा, जोर की अजान इंशाल्लाह तकरीर के बाद होगी, आज सारा मजमा यहाँ पर है और इंशाल्लाह बगैर नमाज पढ़े हम तो यहाँ से जाएंगे नहीं। और अजान लोगों को जमा करने के लिए होती है, जो ऑलरेडी जमा है फिर उन्हें क्या जमा किया जाए, अजान तो हम देंगे इंशाल्लाह, सब्र करें। यह वक्त शहादत का है, यह वक्त करबला की याद का है। मौला हुसैन के ये शहजादे इमाम जैनुल आबिदीन रदी अल्लाह ताला, जिंदगी भर आपके हालात ये थे कि कभी कच्चा गोश्त देखें तो रो पड़े, किसी जानवर को ज़बह होते देखें तो रो पड़े। एक बार अमीर कूफा इब्ने जियाद, अब अमीर मुख्तार नाम का एक शख्स जो बदला लेने के लिए बाद में उठ खड़ा हुआ, बाद में कूफा में एक ऐसा शख्स जाहिर हुआ जिसका नाम मुख्तार सकती था, उसने ऐलान किया कि मैं कातिलाने हुसैन का बदला लूंगा। और उसने उठ करके कुछ अहले बैत से मोहब्बत करने वालों को अपने काफिले में जमा किया और ये काफिला बढ़ता गया बढ़ता गया, यहाँ तक कि खूने हुसैन का बदला लेने के लिए यजीद की मौत के बाद उसने हर एक को तलाशना शुरू किया, शिमर को ढूंढा, उसको कत्ल किया, और उसके बाद अम्र बिन साद को ढूंढा, उसे कत्ल किया, उबैदुल्ला बिन जियाद जो कूफा का हाकिम था, जो जड़ था इस फसाद का, उसे ढूंढा, और उसके बाद
22,000 का जो लश्कर था उसमें से किसी एक को भी उसने जिंदा नहीं छोड़ा, एक को भी नहीं। जितने वहां शरीक थे सबको कत्ल किया, सबको कत्ल किया। और 22,000 को कत्ल करने के बाद मुख्तार सकफी ने यह ऐलान किया, अभी मैंने हुसैन की एक उंगली का भी बदला नहीं लिया, मैं हुसैन इब्ने अली की एक उंगली का भी बदला नहीं लिया। यजीद खायब व खासिर होकर मर गया। और यजीद की सबसे बड़ी जिल्लत तो यह है, यजीद के बाद उसका बेटा मुआविया, मुआविया तख्त पर बैठा। पहले दिन खलीफा बनाकर उसे बिठाया गया, उसके बाद 6 महीने तक वो घर से बाहर ही नहीं आया। 6 महीने के बाद सीधे लाश बाहर आई बेटे की। वो 6 महीने कभी तख्त पर नहीं बैठा यजीद के। लोग कहते थे कि मुआविया आप यजीद के जानशीन हैं, वो नेक शहजादा था। देखिए अल्लाह की मसलहत कैसी, सहाबी के पेट में यजीद पैदा हुआ, यजीद के पेट में मुआविया, फिर अच्छा शहजादा पैदा हुआ, नेक था। उसने कहा लोग जब कहते तख्त पर बैठ जाइए, तो उसने उस तख्त की तरफ देख करके थूक दिया और कहा उस तख्त पर बैठूं जिस पर शहजादे रसूल का खून लगा हुआ है, उस तख्त पर बैठूं जो तख्त हुसैन इब्ने अली के घर वालों से रंगा हुआ है। कभी उस तख्त पर नहीं बैठा। उसकी यजीद की सबसे बड़ी जिल्लत तो इसी पे है कि उसका खुद का बेटा उसके तख्त पर थूक दिया, नहीं बैठ सका। लेकिन हुसैन का चर्चा आज भी है, हुसैन के शहजादे गली कूचों में हर जगह है, सादात की खुशबू तुम महसूस करोगे आज भी। हुसैन इब्ने अली के ये साहबजादे ज़ैनुल आबिदीन जहां पर रह रहे थे खीमे में, तो एक मर्तबा ऐसा हुआ कि इब्ने ज़ियाद जान बचाता हुआ भागता हुआ निकल आया, क्योंकि मुख्तार सकफी उसके पीछे लग गया था, अपने सवारियों को दौड़ा दिया था उसके पीछे कि उबैदुल्ला बिन ज़ियाद जहां भी मिले उसे पकड़ करके लाओ, उसे पकड़ करके लाओ। तो सब उसके पीछे लग गए। मुख्तार सकफी के डर से उबैदुल्ला बिन ज़ियाद जान बचाता हुआ भागता हुआ एक खीमे में आया। वो खीमा किसी और का नहीं, इमाम ज़ैनुल आबिदीन का था। वहां पर पहुंच गया, आप कुरान पाक की तिलावत में मसरूफ थे। मुख्तार सकफी के डर से आने वाला ये उबैदुल्ला बिन ज़ियाद हांप रहा था, कांप रहा था। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने सर उठा करके देखा, क्या बात है? कहा प्यास की शिद्दत है, अगर तुम्हारे पास पानी हो तो पिलाओ। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने फौरन कटोरी भरी और पानी दिया। उसने पानी पिया और फिर कहा और पानी मिलेगा। उन्होंने और एक कटोरी भरी और फिर पानी पिलाया। उसने पिया, 3 कटोरियां पानी पिया। उबैदुल्ला बिन ज़ियाद ये सोचने लगा शायद इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने मुझे पहचाना नहीं होगा। उसने कहा आप मुझे नहीं पहचाने होंगे शायद। आपने चेहरा उठाया तो आंखों में खून था, आंखों में खून था। कहा ऐ ज़ालिम तुझे नहीं पहचानूंगा, तेरी वजह से मेरा पूरा घराना लुट गया, मेरा पूरा खानदान तूने तबाह किया, भूखा और प्यासा करबला में तड़पाया, तुझे नहीं पहचानूंगा, तू उबैदुल्ला बिन ज़ियाद बदबख्त नहीं है? तो उसने कहा जब आपने पहचाना तो पानी पिला रहे हो। इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने कहा जो तूने हमारे साथ सलूक किया वो तेरी फितरत थी, और हमने जो सलूक किया है ये अहले बैत की फितरत है, ये अहले बैत की शान है, ज़ालिमों के साथ भी पानी पिलाने का सलूक। इसीलिए मेरे अजीज़ों आज अगर हमें कुछ आस है, उम्मीद है, तो रसूल के इन्हीं शहजादों से, कि हमारी बुराइयां 1,000 होंगी लेकिन मुझे उम्मीद है कि इन हुसैन इब्ने अली के शहजादों से अगर क़यामत के दिन एक बार हम कह देंगे पानी, तो उम्मीद है कि ये अपने नाना के हौज़ कौसर से हमें पानी ज़रूर पिलाएंगे। तज़किरा करो हुसैन का, तज़किरा करो अहले बैत का और अली के शहजादों का, यकीनन हौज़े कौसर पर इन्हीं का कब्जा है। मेरे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अपने हाथ से जिसे चाहेंगे पानी पिलाएंगे। उनके घर वालों को सता करके तुम पानी कयामत के दिन किस मुंह पियोगे, प्यास बुझाओगे? इमाम ज़ैनुल आबिदीन ने उस वक्त भी पानी पिलाया मेरे अजीजों। उसके बाद ऐसा नहीं कि इस्लाम ख़त्म हो गया, उमैया की खिलाफत चलती रही। यजीद के बाद उसका बेटा मुआविया, मुआविया के इंतकाल के बाद फिर मरवान हाकिम बना, मरवान की हुकूमत चली, फिर उसके बेटे आए तकरीबन 90 हिजरी तक, और उसके बाद 105 हिजरी तक इसी उमैया ख़ानदान ने खिलाफत की बागडोर संभाली। उसके बाद अब्बासी खिलाफत का दौर शुरू हुआ।
जो बनु अब्बास कहलाए वो अहले बैत से मोहब्बत करने वाले थे। इतने जमाने तक भी अहले बैत के साथ बुरा सलूक होता रहा। उमैया के पूरे जितने खुलफा आए उन्होंने अहले बैत के साथ कोई अच्छा सलूक नहीं किया। इमाम बाकर के साथ, इमाम जाफर सादिक के साथ, इमाम मूसा काजिम को 12 साल तक कैद में रखा गया था, उनको जहर पिलाया गया था, कोड़े मारे गए थे। ये इमामों के साथ बुरा सलूक तकरीबन 100 साल तक चलता रहा। और ऐसा नहीं, रसूल का घराना आज भी लुटाने पर कुर्बान है। आज भी अगर कोई बात आ जाए तो देखना रसूलुल्लाह की जो असली आल होंगे, असली औलाद होंगे, वो क़यादत के लिए आगे बढ़ेंगे और अपना सर भी पेश करेंगे। हिंदुस्तान की फतह में सुल्तान महमूद गजनवी के काफिले में दो शहजादे ऐसे थे कि ये किले के फाटक पर, यहाँ जब सुल्तान महमूद गजनवी हमला के लिए आते थे, हाथियों को दौड़ाते थे, और जो किला था या हिंदुस्तान का जिसको फतह करना था, उस किले के फाटक पर नोकीले कील लगे हुए थे, हाथियों के सरों में घुस जाते थे तो वह हाथियां चीख करके पीछे आ जाती, किला फतह नहीं होता था। रात को ख्वाब में महमूद गजनवी ने देखा हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीफ लाए। महमूद गजनवी बादशाह है, पूछा या रसूल अल्लाह हिंदुस्तान फतह कैसे होगा? मेरे आका ने फरमाया तेरी फौज में मेरे दो शहजादे हैं, उनसे मशवरा ले, वो जो कहेंगे तू उस पर अमल कर। सुबह उठा तो फौज में देखा तो दो आले रसूल थे, दो नौजवान थे, हाजिर हुआ, कहा आप मेरी फौज में हैं, मैं नहीं जानता था, आप मुझे मशवरा दें कि क्या करना है। जानते हो दोनों शहजादों ने क्या मशवरा दिया? पहले वादा लिया सुल्तान जो हम कहेंगे उस पर अमल करना होगा, कहा बिल्कुल अमल करूंगा। कहा बात दर हकीकत यह है, जब तुम हाथियों को दौड़ाते हो ये किले का फाटक तोड़ने के लिए, उस किले पर नोकीले कील लगे हुए हैं, वो हाथियों के सर में घुस जाते हैं, इस वजह से हाथी तोड़ नहीं पाते। कल सुबह जब हमले के लिए तुम हाथियों को तैयार करो, एक काम करना, एक हाथी के सर पर मुझे बांधना, दूसरे हाथी के सर पर मेरे भाई को बांधना। ये दोनों शहजादों ने कहा। महमूद गजनवी तड़प गया, कांप गया, क़यामत के दिन मैं क्या जवाब दूंगा, और वो मुंह छुपाकर भाग आया। दोनों शहजादे बाहर आए और फौजियों को हुक्म दिया हाथियों के सरों पर हमें बांधा जाए। वो खुद उन्होंने हाथियों के सरों पर अपने आप को बांधा, हाथी दौड़ाए गए और हाथी दौड़कर जैसे ही किले के दरवाजे पर टक्कर मारा और वो नोकीले कील इन्हीं शहजादों के सीनों में ऐसे पैवस्त हो गए, इतनी तेजी से चुप गए कि दोनों की लाशें उन्हीं फाटक पर लटकी रह गई और वो दरवाजा टूट करके गिर गया और हिंदुस्तान में इस्लाम का परचम लहराया गया था। यहां पर भी खून आले रसूल है मेरे अजीजों। ये अहले बैत के दम कदम से हम आज इस्लाम की बहारें देख रहे हैं, ये सारा सहरा उन कुर्बानियों को जाता है। आज हमने तज़किरा इमाम हुसैन किया, कुछ जिम्मेदारियों की बात अखीर में कर जाऊं। आज जितने भी जवान यहाँ हाजिर हैं, मैं हुसैन का उन्हें वास्ता देता हूँ, हुसैन के लाडलों का वास्ता देता हूँ। खैरत करो, अब शर्म करो, अब तुम्हारी जिंदगी गुजारने के वो तरीके नहीं होना चाहिए जिस तरीकों पर तुम आज जी रहे हो। आज तुम्हारे चेहरों पर न हुसैन की कोई अलामत है, न करबला वालों की कोई अलामत है। ऐ मेरे अजीज बच्चों, ऐ मेरी माँ और बहनों, उठो, करबला वालों से अगर तुम मोहब्बत करते हो तो आज आलम हुसैन लो। और आलम हुसैन का नाम उपमंजा नहीं, बल्कि दर हकीकत आलम हुसैन कुरान मजीद का नाम है। तुम अपने हाथों में इस मुसहफ पाक को उठाओ, क्या तुम नहीं देखते सरे इमाम हुसैन भी तिलावत कर रहा था जब दमिश्क के बाजार में हुसैन का सर लाया गया था? उस वक्त भी लोगों ने देखा नेजे के ऊपर से इमाम हुसैन के लबों से यासीन मुबारका की तिलावत की आवाज आ रही थी। वो हुसैन कटे हुए सर से भी जब तिलावत कर सकते हैं, तुम क्यों तिलावत नहीं करते? आज कुरान क्यों नहीं पढ़ते? कुरान को क्यों हाथ नहीं लगाते? आज हमारे घरों में जो अंधेरा है, ये कुरान न पढ़ने की वजह से। मेरे आका ने सच फरमाया कि तुम अपने घरों को कब्रस्तान ना बनाओ। जिस घर में कुरान नहीं पढ़ा जाता उस घर को कहा गया यहां मैयतें रहती हैं, यहां मुर्दे रहते हैं। कितने घरों में कुरान पढ़ा जा रहा है, मुर्दों का घर बनाया हो, बच्चियों को बिठाओ, बच्चों को बिठाओ, कुरान उनके हाथ में दो, कुरान की तरफ तवज्जो करो। अगर एक बार फिर पलट आई ये उम्मत तालीमात इस्लाम की तरफ, मजाल है कि कोई तुम्हारी तरफ आंख उठा करके देखे। मैं ये चैलेंज के साथ कहता हूं, तुम्हारे पास ईमान की जो दौलत है पूरी दुनिया छान मारोगे, ये दौलत किसी कौम के पास नहीं है, किसी के पास नहीं। तुम्हारे पास मोहब्बत रसूल है, तुम्हारे पास मोहब्बत अली है,
तुम्हारे पास मोहब्बत हुसैन है, तुम्हारे पास औलिया कामिलीन के किरदार है, तुम्हारे पास सारी अलामतें तबरुकात हैं, तुम क्यों पीछे हो? तुम्हारा पीछे रहना तो अफसोस की बात है। आज लोग तुम्हें बुजदिल बना रहे हैं, आज लोग तुम्हारे ऊपर खौफ का माहौल तारी किए हुए, डर का माहौल तारी किए हुए। शायद या तुमने देखा भी होगा, हजारों तकरीरें हैं, मैं अपनी तारीफ के लिए नहीं कह रहा हूं, हजारों खुतबा हैं, चंद ही बोलते होंगे लोग, इसलिए कि खुतबा वाइजीन मुकर्ररीन की जुबानों को भी बंद करने की कोशिश कर रहे हैं। कितने तो मुझे बोलते हैं, यूं ना बोलो मौलाना, बहुत जल्दी गिरफ्तार हो जाओगे, बहुत जल्दी जेल में चले जाओगे, हुकूमत की तुम्हारे ऊपर नजर है, डिपार्टमेंट में तुम्हारे रिकॉर्ड हैं, बहुत सारी बातें हैं। मेरे अजीजों, एक तरफ मेरे पास ये उम्मत मुस्तफ़ा भूली भटकी हुई कौम है, एक तरफ मेरे आका की कुरान अजीम है और हुसैन आजम के करबला के वाकयात हैं। मुझे बताओ, क्या हुसैन इब्ने अली का सामना कयामत के दिन नहीं करना होगा? क्या हम जैसों को पकड़कर कयामत में नहीं पूछा जाएगा? मौला ने तुझे जुबान दी थी, मौला ने तुझे कुरान का इल्म दिया था, रब ने तुझे हदीसें अता की थी, तूने अपने हबीब की उम्मत के साथ क्या सुलूक किया? क्या तू उन्हें सुभान अल्लाह और नारों में ही सुला दिया करता था? अगर कयामत के दिन मुझे ये सवाल होगा, मैं क्या जवाब दूंगा? इसलिए मैं ये बेहतर समझता हूं, हक बोलने पर अगर गिरफ्तारी हो जाए तो मेरी गिरफ्तारी कोई माना नहीं रखती, इसलिए कि मुझसे कई लाख दर्जा गुना बेहतर इमाम जैनुल आबिदीन जब गिरफ्तार किए जा सकते हैं और मौला हुसैन के घर वालों को कैदी बनाया जा सकता है, तो हमारी लाखों जिंदगियां उनकी कैद पर कुर्बान हो। हमें कैद से डर नहीं है, हमें कोई गिरफ्तारी से खौफ नहीं है, और हमारी जुबानों को खरीदने की कोशिश भी ना करो, हमारे अल्फाज को खरीदने की कोशिश ना करो। ए मुसलमानों, मैं जो बोल रहा हूं, एक बात याद रखना, अगर लोगों में बदगुमानी है मेरे मुतालिक, बदगुमानी करते हो पैसों के लिए, माल के लिए, या मैं अपनी फील्ड बनाने के लिए बोल रहा हूं, तुम खाम ख्याली में हो। इंशाअल्लाह मैं किस मकसद से बोल रहा था और तुम किस मकसद से सुन रहे थे, आज मैं सफाई नहीं दूंगा, कल बरोज़े क़यामत रसूलुल्लाह के सामने फैसला हो जाएगा, कयामत के दिन फैसला हो जाएगा इंशाअल्लाह। मेरा विश्वास ये कहता है, मैं कहां खड़ा रहूंगा और तुम कहां खड़े रहोगे, ये कयामत के दिन ही पता चलेगा, कयामत के दिन पता चलेगा। अगर मेरी बात आज आप तक पहुंचती है तो अमल की तरफ आओ, हीले बहाने ना करो। मुझे मारना है मार लो, मुझे कोसना है कोस लो, दो चार गालियां मुझे दे लो, अगर दिल ठंडा होता है। मेरे अखलाक बुरे हैं, मेरे अमाल बुरे हैं, हो सकता है मैं निकम्मा हूं, हो सकता है मैं कम इल्म हूं, सारी बातें मुझे मंजूर हैं, लेकिन जिस चीज की तरफ मैं तुम्हें दावत दे रहा हूं, वो दावत को हल्का मत समझो, उस बयान को हल्का ना समझो। मैं तो तुम्हें मोहब्बत रसूल की तरफ बुला रहा हूं, मैं तुम्हें मौला हुसैन के किरदार की तरफ बुला रहा हूं, उसे तो ना कोसो। मैं कमतर जरूर हूं, लेकिन जिसकी दावत दे रहा हूं वो दावत कमतर नहीं है, वो दावत हल्की नहीं है। आओ, मैं हजारों नौजवानों की आज जिंदगियों को देख रहा हूं, तुम्हारे हाथों में आज दुनिया ने क्या पकड़ाया है? गंदे नगमे, गंदे मोबाइल की फहश तस्वीरें, तुम उसी को देखकर रात गुजार रहे हो, उसी से सुबह कर रहे हो, तुम्हारे कान नगमे सुनकर सोते हैं और गानों की धुन पर सुबह करते हो, यही अखलाक। कल कयामत में मौला हुसैन के सामने तुम खड़े होंगे, हश्र के दिन तुम्हें रसूलुल्लाह के सामने खड़ा होना है, उनके बच्चों के हाथ में, अरे 11 साल का बच्चा जब तलवार उठाया था, तुम अपना मोबाइल उठा करके उसको दिखाओगे, मैंने जवानी में मोबाइल उठाया है, उन्होंने तलवारें उठाई थी किस लिए? उम्मत मुस्तफा की हिमायत के लिए, शरीयत ताहिरा की हिफाजत के लिए। इसलिए मेरा आखिरी ये मैसेज है कि उठो, वो घर ना हश्र ना होगा फिर कभी, दौड़ों के जमाना चाल अपनी चल गया, कुव्वत इश्क से हर पस्त को बाला कर दो, दहर में नामे मोहम्मद से उजाला कर दो, कि मोहम्मद से वफा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहां चीज है क्या लौहो कलम तेरे हैं। इकबाल ने सच कहा था, नहीं तेरा नशीमन कसरे सुल्तानी के गुंबद पर, तू शाहीन है बसेरा कर पहाड़ों की चट्टानों पर। आज तुम जहां जी रहे हो ये तुम्हारा मकाम नहीं, ये तुम्हारी जगह नहीं। और औरतों से बच्चियों से गुजारिश है, अरे उस नन्नी सकीना को देखो जिसने कैदी हालत में भी अपने पर्दे की फिक्र की है, अपने दुपट्टे का ख्याल किया है। तुम्हें आज सारी आसाइशें सारी नियामतें मिली हैं और बाजार में मटक मटक करके चलना, लोगों को अपनी जीनत की तरफ दावत देना, अपने जिस्मों को आश्कार करना, क्या ये सकीना के अखलाक हो सकते? फातिमा के घर के अखलाक हो सकते? बच्चियां तौबा करो, तुम्हारा जिस्म शैतान आवारा करना चाहता है। तुमने अगर अपने जिस्म की नुमाइश की,
लोगों की तवज्जो और उनकी आंखें अपनी तरफ मबजूल करने के लिए कसम रब्बे जुलजलाल की, तुम्हारे जिस्म की चमड़ियां फरिश्ते इस तरह से छीलेंगे, इस तरह से कि हदीस पाक में मिलता है 1 घंटे में 70 बार चमड़ी बदली जाएगी। 1 घंटे में 70 बार, जरा ब्लेड से चमड़ी निकाल करके देखना, पता चलेगा चमड़ी उधेड़ने की सजा क्या होती। अगर तुमने अपने औरतों की हिफाजत नहीं की, अपने सतर की हिफाजत नहीं की, बड़ी सजा में गिरफ्तार हो जाओगे, बहुत भयानक अजाब में गिरफ्तार हो जाओगे। कयामत के मंजर को अब चंदा जरूरत नहीं कि मैं अपनी बात को तवील करूं, मैं सिर्फ मैसेज यही देना चाहता था, आज कुरान को फिर से आम करो, आज अहद करके उठो कि शरीयत मुस्तफा को फिर से हम कायम करके दिखाएंगे। अजानें होंगी तो अपने कामों में नहीं, हम मस्जिदों में सर झुकाने के लिए आएंगे, इसलिए कि मौला हुसैन तलवारों की झनकार में जब सजदा कर सकते हैं तो आज हमें नियामतों में अल्लाह खिला रहा है, पिला रहा है, सुला रहा है। क्यों हम बिस्तर छोड़कर एक बार मस्जिद नहीं आ सकते, हम अपनी दुकान छोड़कर मस्जिद नहीं आ सकते, हम अपना काम छोड़कर मस्जिद नहीं आ सकते। मेरे अजीजों, अगर मस्जिद ना मिले, जहां मैसर हो सजदा कर लो, जहां मौका मिले अपनी नमाज कंप्लीट कर लो, इसलिए कि कयामत के दिन ये अगर तुम्हारी कच्ची रही तो सारे मामलात में फंस जाओगे। जिसकी नमाजें निकल गई फिर वो हर चीज में निकल जाएगा इंशाअल्लाहुल अज़ीज़। आखिर में इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ अजान के बाद मैं दो चंद आपके सामने ऐलानात पेश करूंगा। बारगाह इलाही में दुआ है, मौला करीम कहने सुनने से ज़्यादा अमल की तौफीक अता फरमाए। ऐ रब्बे कदीर, आज जो भी शहादत इमाम हुसैन का तज़किरा हुआ, ऐ ज़ुलजलाल खुदा, हम सब की आवाज़ों को तू सुन रहा है, हमारे आहो भुखा को तू जानता है, हम गम हुसैन में आज बैठे हैं तेरे घर में, मौला जितने यहाँ हाजिर है सब की हाजतें पूरी फरमा दे। मौला जितने सुन रहे हैं, ख्वातीन बच्चे बच्चियां दूर दराज से जो इस प्रोग्राम को सुन रही हैं, शामिल हैं मौला, उन सबको भी हम दुआओं में शामिल करते हैं। मौला हुसैन की बरकतें उन सबको भी अता फरमा। ऐ अल्लाह, आज आशूरा का दिन है, ऐ करीम खुदा, आज तेरी रहमतें उतरती हैं, तू बंदों से राज़ी होता है। हुसैन के खून का वास्ता, अली असगर के खून का वास्ता, हम गुनाहों से तौबा करते हैं मौला, हम सबको सच्ची तौबा नसीब फरमा, गुनाहों से बेजारी अता फरमा, गुनाहों के मरस से शिफा अता फरमा, हमें आँखों की हया अता फरमा, ज़ुबान की तहारत अता फरमा, दिल को वसवसों से बचा ले, हमारे हाथों और पैरों को गलत कामों से महफूज फरमा ले। ऐ करीम खुदा, हमारी बच्चियों को बेआबरू होने से बचा ले, उनके जिस्मों को उनके सतर की तू हिफाजत फरमा। ऐ करीम खुदा, पूरे हिंदुस्तान में अमन व अमान अता फरमा, इस्लाम और सुन्नियत का बोल बाला फरमा, कुफार और मुशरिकीन के बुरे मंसूबों को खाक में मिला दे। ऐ रब्बे कदीर, तेरा एहसान है तूने हमें इस्लाम पे पैदा किया, तेरा एहसान है तूने उम्मत मुहम्मदिया में बनाया, तेरा एहसान है तूने हमें अली और हुसैन के घर वालों के तस्करा करने वालों में पैदा किया। ऐ मौला, ये मोहब्बत हुसैन हमारी ज़िंदगी की आखिरी सांस तक हमारी ज़िंदगी में अता फरमा। ऐ रब्बे ज़ुलजलाल, इस मस्जिद पाक में बच्चे जवान बूढ़े जितने हाजिर हैं, जो जो जिस परेशानी में मुब्तला है मौला, तू बेहतर जानता है, सबकी परेशानियां दूर फरमा। इस पूरे मोहल्ले पर मौला, हमारे आसपास जितने घर हैं, इस पूरे मोहल्ले पर ज़मीनी आसमानी बलाओं से तू हिफाजत फरमा, गैब से बरकतों का नुजूल फरमा। ऐ खल्लाकल आलमीन अरहमर राहिमीन, तेरे दरबार में सिर्फ इतनी इल्तिजा है, अगर हमारी ज़िंदगी बाकी रही, इन आँखों को एक बार तेरे हबीब पाक के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा। मौला हुसैन के चेहरे की ज़ियारत नसीब फरमा, मौला बगदाद करबला और मदीने तैयबा की ज़ियारत नसीब फरमा, हम सबको हज मकबूल नसीब फरमा, हमारी दुआओं को रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के नाले पाक के सदक़े कबूल फरमा। إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وأصحابه الكرام وابنه الكريم وبارك وسلم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين।